प्लीज मैं देता हूँ, सबको देता हूँ। फैसलवाड़ा साहब प्लीज, फैसलवाड़ा प्लीज जरा, आप फैसलवाड़ा प्लीज, फैसलवाड़ा प्लीज, आप तशरीफ रखे फैसलवाड़ा को कहने दें प्लीज, प्लीज फैसलवाड़ा साहब जनाब, आप प्लीज आप तशरीफ रखे जनाब। जनाब स्पीकर आपका बहुत शुक्रिया। अभी तक हम जिस तरह आह्वान चला रहे हैं उसमें हम एक दूसरे को के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, और अभी तक जिस वोट के तहत हम आए हैं आवाम की खिदमत करने, उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हो पा रही। मैं एक अच्छी खुशखबरी पूरे पाकिस्तान को सुनाना चाहता हूं आपके तवज्जो से। प्लीज नो कमेंट्स, नो कमेंट्स प्लीज, वो उसको बात सुने फैसलवाड़ा साहब प्लीज। जनाब स्पीकर मैं आपके तवज्जो से एक अच्छी खबर खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आवाम को आपके तवज्जो से, कि सर जितनी मुमकिन कोशिश थी अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों ने हमारे डैम को रोकने की कोशिश की, और इमरान खान साहब के विजन और इमरान खान साहब के भरोसे के तहत जब मैंने चार्ज लिया तो मैंने वादा किया था पाकिस्तानी कौम से कि यह डैम बनेगा और बनेगा और बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि एक तो प्रिपरेटरी वर्क्स हम पहले ही शुरू कर चुके हैं और इसका टेंडर अवार्ड हो गया है, और दूसरी इंपॉर्टेंट खुशखबरी जो आज से पहले नहीं सुनी गई कि इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल निगोसिएशंस के बाद मेरे मातहत इदारे वापडा के चेयरमैन और उनकी टीम ने मेरी इंसान का नौलंग डैम है जो 15 साल से नहीं बन पा रहा, उसमें 16 अरब की जरूरत है, तो जब मैंने अपनी वजारत में बचाया 18 अरब है उस स्पेशल परमिशन के तहत उसको बनाना चाहूंगा। नंबर दो ये कि स्पीकर साहब हिंदुस्तान की तरफ से मिनिस्टर आबी वसाइल ने बड़ी बड़ी बातें की है जिससे कौम को थोड़ी तशवीश है और मेरी मौजूदा अवान को भी तशवीश है। मैं एज फेडरल मिनिस्टर वाटर रिसोर्स बताना चाहता हूं कि 1960 की ट्रीटी के तहत ईस्टर्न वाटर इंडिया का है, उसके बंद करने से उसके खोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हम इमरान खान साहब के फलसफे पर चलते हैं और इंसानियत को रखते हैं, और जैसे हम पाकिस्तान की आवाम का ख्याल रखते हैं इसी तरह इंसानियत के तहत हमें हिंदुस्तान की आवाम का भी ख्याल है, तो सबसे पहले एक वजीर के तहत मैं उनको उनके जवाब में कहूंगा कि मैं इंडिया की मोदी सरकार को पानी अपने हिस्से का दे दे के मारूंगा, जबकि मेरी फौज, मेरी गयूर फौज, मेरी ताकतवर फौज के पास वो सलाहियत है कि मोदी सरकार की नस्ल नस्लें हम तबाह कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। हम एक प्रोग्रेसिव मुल्क है, ना हम दहशतगर्दी करने देंगे ना दहशतगर्दी करेंगे। तो ये पैगाम जो उन्होंने एक कंफ्यूजन क्रिएट की है पूरी दुनिया में, हमारा पानी सिक्योर है, हमारा पानी सेफ है, इंडिया अपना पानी नहीं रोक पा रहा, और जो उनका मिनिस्टर है वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात करके एक सस्ती शोहरत इकट्ठी करनी चाह रहा है। आखिर में स्पीकर साहब मुझे बहुत दिन बाद मौका मिला है, मुझे अपोजिशन की तरफ से मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैंने अपोजिशन की एहतराम के बजाय उनमें से किसी अपोजिशन लीडर साहब को कोई गाली दी है, तो मैं गाली देने वाला आदमी नहीं हूं, ना कभी इस आवाम में किसी आदमी को गाली दूंगा। मैं अपनी परफॉर्मेंस के तहत जो नालायकी जो पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला वो अपनी परफॉर्मेंस से अल्लाह ताला के हुक्म से आगे बढ़ के दिखाऊंगा। मैं हर किसी का एहतराम करता हूँ, किसी की माँ बहन बेटी, अपोजिशन के लोगों की माँ बहन बेटी और उनके वालिद का एहतराम करता हूँ, लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ स्पीकर साहब के हादसाती तौर पर या खैराती तौर पर यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए, वजीर आजम बने, उन्होंने मेरे वालिद पर अटैक किया, मैंने उसका जवाब दे दिया। मैं चाहूंगा कि ऑपोजिशन उसका ख्याल रखे कि मुशाहिदुल्लाह साहब जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, या तलाल चौधरी साहब जो इस्तेमाल कर रहे जबान, या प्राइम मिनिस्टर एक्स खाकान अबाई साहब ने जो बात इस्तेमाल की, हम उसका जवाब भरपूर दे सकते हैं, लेकिन ये हमारी परवरिश का हिस्सा नहीं है। हम गलत पे तनकीद करेंगे और अच्छे पे चाहेंगे कि कौम हमारे साथ खड़ी हो, ऐवान हमारी साथ खड़ी हो। जो डैम बन रहा है जिसका अवार्ड हुआ है और 18 अरब रुपए बचाए गए, वो मेरा अकेले का नहीं है क्रेडिट, वो पूरी ऐवान का क्रेडिट है, पूरे पाकिस्तान का क्रेडिट है, हम सब का क्रेडिट है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू।